नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र प्रबल प्रताप तोमर ने नई दिल्ली में चाणक्यपुरी मॉल के पीवीआर सिनेमा में कश्मीरी पंडितों की सच्ची घटना और उनके जुल्मों और अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रबल प्रताप तोमर ने कहा कि हम विवेक रंजन अग्निहोत्री के आभारी हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जिहादी अत्याचार का एक एक सच इस फिल्म के जरिए देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरा जनता से व्यक्तिगत रूप से निवेदन है कि इस फिल्म को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर देखें। स्क्रीनिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, अजय भट्ट, अश्विनी चौबे और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नंदगोपाल नंदी, महेंद्र नाथ पांडे, किशन रेड्डी, फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल, डालमिया ग्रुप के चेयरमैन संजय डालमिया, एमसीजी के चेयरमैन अश्विनी कुमार चौधरी, ग्रुप ऑफ नेपाल के चेयरमैन वरुण चौधरी, आईटीसी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट अनिल राजपूत के साथ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने फिल्म को देखा।